गुमला जिला एक ऐसा जिला है जिसका शहरी क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। एक समय था कि चारों तरफ बहने वाली नदियों को देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से इन नदियों का अतिक्रमण हुआ है, उस नदियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने की स्थिति में आ गया है। जिले के डीसी सुशांत गौरव के निर्देश के बाद जिला के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय पांडे गंभीरता से काम कर रहे हैं। फिलहाल पुग्गू नदी में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय पांडे ने कहा कि काफी बुरी तरह से नदी का अतिक्रमण किया गया है। लोगों ने नदी की धार में पिलर लगाने का काम किया। वहीं इस अभियान में अंचल के कर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने सरकारी नक्शा के आधार पर बताया कि काफी संख्या में लोगों ने नदी की जमीन का अतिक्रमण कर घर बना दिया है, जिससे नदी अब नाला का रूप लेती जा रही है। नगर परिषद द्वारा नदी के अतिक्रमण का जांच किया जा रहा है और इस दौरान उन घरों पर रेड चिन्ह लगाया जा रहा है जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। वहीं इस अतिक्रमण से सैकड़ों घरों के टूटने की संभावना बन रही है, जिसे लेकर कुछ लोगों में निराशा भी है। वहीं कुछ लोगों ने इसका खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का जो निर्णय होगा उसे स्वीकार है। उन्होंने कहा कि जमीन मालिक से खतियान के आधार पर उन लोगों ने घर बनाया था और 1985 से रह रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से पता चल रहा है कि उनके घर का कुछ हिस्सा नदी का हिस्सा है, तो उन्हें सरकार जितना चाहे तोड़ सकती है। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय पांडे ने कहा कि उनका उद्देश्य नदी के अतिक्रमण को सही करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी का अतिक्रमण समाप्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी संकट पैदा हो सकती है, जिससे मानव जाति पर खतरा हो सकता है। हमारे गुमला उपायुक्त सर हैं, उपायुक्त महोदय के निर्देश पर ये स्थानीय नदी है पुग्गू नदी, उसके तटों पर जो प्रथम दृष्टया अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, उस अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें अंचल की टीम और नगर परिषद की टीम को ये जिम्मा मिला है। तो अभी आज हमारा तीसरा दिन है, दो दिन नापी पहले हुई है, और ये हमारा मकसद है कि जो शहरी क्षेत्र में नदी का जो इलाका है उसमें जो अतिक्रमण लोगों ने किया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराना है। लेकिन अतिक्रमण मुक्ति को लेकर जो विशेष अभियान चलेगा उसके पहले आवश्यक है कि जो हमें चिन्हितीकरण हो जाए। तो ये अंचल को जिम्मा दिया गया है और जैसे ही चिन्हितीकरण हो जाएगा तो नगर परिषद उसको नगर पालिका एक्ट 2011 अधिनियम के तहत नगर पालिका एक्ट 2011 के तहत इसको डेमोलिश करने का काम करेगी। और जो सीओ साहब हैं, सीओ साहब भी अपने स्तर से भी बीपीएल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। देखिए, जब तक वाटर रिचार्ज हम नहीं करेंगे, जो भूगर्भ जल हमारा नहीं बढ़ेगा, तब तक हम कैसे सोच पाएंगे कि हमें पानी मिल पाएगा। तो अगर हम लोग अभी पानी पा भी पा रहे हैं तो ये पुराने हमारी पीढ़ियाँ उनकी दान है। हम लोग चेक कर रहे हैं नदी का। तब तक क्या पाया गया? अभी तो देख रहे हैं कुछ कुछ बना हुआ है मकान, तो अतिक्रमण लग रहा है। हाँ, कुछ कुछ बना हुआ है। अब किसी गलती की वजह से हुआ है या क्या हुआ है तो देखिए, अतिक्रमण है। हाँ, अतिक्रमण दिखा रहा है। अभी क्या कर रहे हैं लोगों से बात, से चिन्हित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी चिन्हित केवल किया जा रहा है। हाँ, उसके बाद फिर जो उसके बाद में आगे का जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। जमीन ये तो एकदम ठीक है, स्थिति था बहुत अच्छा स्थिति, जैसे जमीन मालिक कहा वैसे आदमी ले लिया। हाँ, लेकिन अभी क्या पता चला नापी में? अभी तो नापी में वही पता चला कि नदी इतना चौड़ा है, उतना चौड़ा, इतना फीट है, इतना फीट है, यही चल रहा है पता। तो अब क्या कहना है आपका? जितना सरकार का चीज है वो अपना तोड़ना होगा, तोड़ देगा, तोड़ दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा। हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को सहयोग करना है। डीसी के निर्देश के बाद जिला के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पूरी ईमानदारी से पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अन्य विभाग से जो सहयोग मिलना चाहिए उससे उन्हें परेशानी हो रही है, जबकि इस अभियान को अति आवश्यक समझकर अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि नदी का अस्तित्व जब समाप्त हो जाएगा तो मानव जाति पर खतरा आ सकता है। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।